अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कमेंट भी करें। और इस चैनल पे सेकंड ईयर की सारी केमिस्ट्री के लिंक आने वाले हैं, सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो आपकी यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़े टाइम में हो जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कनेक्टेड हो जाएं। मीनवाइल, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको अलर्ट्स नहीं आते, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। नीचे उस ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और गाइज, उसके अलावा अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, मुझे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने नीचे अपना नंबर दे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। आपने उस पर कॉल नहीं करनी, जस्ट व्हाट्सएप आपने करना है, मैसेज करना है, वॉइस करना है, जो भी करना है, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी। तो सारी डिटेल्स मैंने वो भी शेयर कर दी हुई हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए। और गाइज, इसके अलावा मैंने जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के लिंक नीचे शेयर कर दिए हुए हैं। उसमें ख़ास तौर पर फेसबुक पर चौधरी सुरखाब अहमद वाला जो प्रोफाइल है, आपने उसमें मुझे ज़रूर फॉलो करना है, मुझे उस पर फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है। तो वहाँ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो गाइज़, आप वहाँ मुझे सब्सक्राइब वहाँ मुझे फॉलो कर लें। तो गाइज़, लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये आगे मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे, तो आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है। ये गाइस लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कई शॉर्ट भी बनते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइज, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि व्यू थोड़ा और क्लियर हो जाए और विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए। चलें गाइस, ये देखें, सबसे पहले अब ये चार्ट देखें। इस चार्ट में देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज हैं। अब इसकी जो दो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको शो कर देता हूं। जो इसकी पहली कैटेगरी है वो है ओपन चेन, या जिसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्लोज चेन। अब गाइज, एक चीज का यहां ज़हन में रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स में कोई खास फर्क नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन का होना लाजमी है, जैसा कि CH4। लेकिन गाइज, जब हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके अलावा जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन का होना ज़रूरी है। जैसा कि CCl4 को देखें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, बिकॉज उसके अंदर जो है कार्बन तो है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसकी वजह से हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते होते। तो अब एक सेकेंड, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स की समझ आ चुकी होगी। हर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब ये सेंटेंस जो मैंने बोला है, ये आपको खुद सोचना है कि इसका मतलब या इसकी सेंस क्या बनती है। अच्छा गाइस, ये दो कैटेगरीज हैं। चलें हम इन दो कैटेगरीज को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है, हेयर इट इज, जिसको हम साइक्लिक भी कह रहे हैं, तो गाइज यहां पर देखें, इसकी दो कैटेगरीज फर्दर हैं, उनमें पहली कैटेगरी जो है वो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरी है ब्रांच्ड वंस। ये क्या होते हैं, हम डिटेल में आगे चल के इसको पढ़ते हैं। तो इससे आगे देखें, अगर हम बात कर लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स की भी आगे दो कैटेगरीज हैं, जिनमें से जो पहली है होमोसाइक्लिक है, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है। तो गाइस, जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो तो हम आगे चल के पढ़ते हैं, तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो जो कार्बोसाइक्लिक है, हेयर इट इज कार्बोसाइक्लिक, इसकी भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, और हेट्रोसाइक्लिक की भी दो कैटेगरीज हैं। जो कार्बोसाइक्लिक है उसकी एक कैटेगरी एलिसाइक्लिक है और दूसरी एरोमेटिक है। और जो हम बात करते हैं जी
जो हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, तो इसकी भी दो कैटेगरीज, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। और जो सैचुरेटेड है और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में देखें तो उसकी दो कैटेगरीज है, एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है। इनको बेसिकली एलिफेटिक भी कहते हैं। अच्छा गाइज, ये चार्ट तो आपने देख लिया, डिटेल में बाद में जाते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए रखी हुई है, चलिए वो डॉक्यूमेंट्री भी हम पहले देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा हम इससे बाहर आते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द डॉक्यूमेंट्री। ओ क्या हो गया, वेट, लेट्स हैव अ लुक ओवर द डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ देखें, ये एक डॉक्यूमेंट्री, बड़ी मज़े की डॉक्यूमेंट्री है, हियर इट इज। चले मैं फुल स्क्रीन कर लूँ जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन, साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और अनसैचुरेटेड भी आते हैं, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड्स। Acyclic compounds are classified as saturated compounds. Alkenes compounds are classified as heterocyclic compounds. A. Alicyclic compounds are further classified as open chain compounds. In these compounds, atoms are linked to one another in chains that are straight or branched. These are also called as aliphatic compounds. सबसे पहले acyclic, मतलब open chain की compounds, वो कहाँ गया? Acyclic और open chain की बात हो रही है। In these compounds, atoms are linked to one another in chains. अब ये साथ में वीडियो की वॉइस आ रही है, वीडियो की वॉइस आ रही है, मैं यहाँ कम बोलूंगा, ये आपने खुद समझना है, मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये ओपन चेन है, ओपन चेन शर्त ये है के एटलीस्ट दो एंड फ्री होने चाहिए, मतलब किसी के साथ अटैच फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो ये देखें आप, और ब्रांच्ड, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक इसको लिखना चाहिए था, इसको कंटेन कार्बन एटम्स कहते हैं, रिंग कंपाउंड्स कहते हैं, इसको क्लोज चेन या रिंग चेन कहते हैं या रिंग कंपाउंड कहते हैं। देखें इनमें कोई भी एंड फ्री नहीं है, सर्कल की फॉर्म में है, सर्कल के कोने तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच, छः, जितने मर्जी हो सकते हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जॉइन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन सम केसेस अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द। अब यहां पर देखें, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी हो सकते हैं, ये बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात है। ये मैं सारे डिटेल में वैसे भी आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। तो फ्यूरॉन है, थायोफीन है, पिरिडीन है, ये जो कोने हैं इनका मतलब है कार्बन, और एक दो तीन चार कार्बन है फ्यूरॉन में और सेंटर में ऑक्सीजन है। इसी तरह थायोफीन में सेंटर में सल्फर है, बाकी चार कार्बन हैं, और नाइट्रोजन पिरिडीन में है सेंटर में और बाकी पाँच कार्बन हैं। Heterocyclic compounds, aromatic compounds. These are planar ring structures and exhibit aromaticity according to Huckel's rule. यहाँ पर ये 4+2n रूल वाली बात है, ये कंफ्यूजिंग बात है, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको हकेल रूल कहते हैं और 4n+2 रूल भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, इसको छोड़ दें। एरोमेटिक कंपाउंड सिंपली वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, मतलब छह कार्बन वाली रिंग हो, एक या एक से ज्यादा, और उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। That is, they possess 4n+2 pi electrons, where n equals to 1, 2, 3, and even 0. Benzenoid aromatic compound. इनको हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, बिकॉज इनमें बेंजीन होती है। These compounds are benzene related rings are called ये इनके नाम हैं, बेंजीन, एनिलीन एंड नेप्थेलीन। इन बलाओं से पाला पड़ेगा आपका चैप्टर 9 में जाके। बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग भी होती है, जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, मतलब 6 कार्बन नहीं होती, 6 से कम या ज्यादा होती हैं और डबल डबल बॉन्ड होते हैं। दीस कंपाउंड्स आर रिंग्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम बेंजीन। हेटेरो
compounds. Heteroaromatic compound. Guys, heteroaromatic compound मतलब aromatic compound जिनमें बेंजीन की रिंग होती है और सारे के सारे एटम बेंजीन वाले नहीं होते. Classification of organic compounds on the basis of functional groups. Functional group. It is a group of atoms joined in a specific manner which is. ये अब जो बातें आ रही हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगी. हम टू द पॉइंट अब चलते हैं. अपने मेन पॉइंट पे हम स्ट्राइक करते हैं. इसको हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं. चलें जी, इट इज स्टॉप्ड. ठीक है, चलें गाइस, हम इससे आगे चलते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ. तो ये देखें, अब हम चलते हैं जी इनकी डेफिनेशंस की तरफ. तो डेफिनेशंस की तरफ जब हम चलते हैं तो उसमें देखें, सबसे पहली हमने कैटेगरी पढ़ी है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स और कंपाउंड हैज एट लीस्ट टू कार्बन एटम फ्री फ्रॉम ईदर साइड. अब फ्री फ्रॉम ईदर साइड का क्या मतलब है? मतलब राइट साइड से भी फ्री हों, लेफ्ट साइड से भी फ्री हों, किसी के साथ अटैच ना हुए हों, मतलब रिंग ना बनी हो, सर्कल ना बना हो, बिल्कुल सीधी लाइन में हो, तो होता है कि फ्री आर्म्स होते हैं. कम से कम दो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इसकी एग्जांपल्स आगे आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ. एनब्यूटेन की बात कर लें, आइसोब्यूटेन की बात कर लें. एनब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर नीचे कहीं ना कहीं बना होगा. लेट मी शो यू. ये देखें एनब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर, इसमें देखें ना, मैं एक मिनट सर्कल करके आपको शो करवाता हूँ. एक आप इसको देखें, ये CH3 है, ये CH3 है. जब भी CH3 आएगा सिंगल बॉन्ड्स के साथ, हम उसको फ्री एंड कंसिडर करेंगे. तो देखें इसमें दो फ्री एंड हैं, जबकि ये दरमियान में CH2 आ गया. ये फ्री एंड कभी भी नहीं होगा सिंगल बॉन्ड के केस में. इसके अलावा आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे और एग्जांपल्स हैं. यहाँ देखें, ये इस जगह पे देखें, 2-methyl प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है. आइसोब्यूटेन के अंदर तीन फ्री एंड हैं. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है. एक फ्री एंड, दूसरा फ्री एंड, ये तीसरा फ्री एंड. मैंने कहा अगर स्ट्रक्चर में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो उनके अंदर CH3 जहां आएगा वो फ्री एंड कंसिडर किया जाएगा, जो आगे से किसी के साथ अटैच नहीं है. अगर हम ये एक्सट्रीम राइट साइड वाले CH3 की बात करें तो ये लेफ्ट साइड से तो CH के साथ अटैच है, लेकिन राइट साइड से ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है. मतलब ये इस डायरेक्शन से किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं है. इसी तरह हम 2-methyl प्रोपेन की बात करें तो इसके भी तीन फ्री एंड हैं. यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो CH3 है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो CH3 है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये CH2 है. तो यहाँ पर देखा जाए तो तीन फ्री एंड हैं, जिनमें से एक ये वाला है, दूसरा फ्री एंड यहाँ पर है और तीसरा फ्री एंड यहाँ पर है. तो कम से कम दो या दो से ज़्यादा फ्री एंड जब होते हैं हम उसको कहते हैं कि वो एक स्ट्रेट चेन, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है. अब यहाँ पर देख लें, इसके भी एक, फिर दो, फिर तीन, इसके चार फ्री एंड हैं नियोपेंटेन के. अब इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं ये आपको अभी समझ नहीं आएगा. मैंने आपको बताया था कल भी, पिछले लेक्चर में भी, कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं. ये मैं बताऊंगा चैप्टर 8 के बिल्कुल स्टार्ट पे जाके, और आपको वो पढ़ने का भी मज़ा आएगा. तो गाइस देखें, हमने अभी बात की स्ट्रेट चेन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की. तो गाइस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, बेसिकली इनकी दो टाइप्स होती हैं. तो जिनमें से जो वेरी फर्स्ट जो टाइप है वो है यहाँ पर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी टाइप ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स. गाइस हम जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो देयर डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, के द हाइड्रोकार्बन्स इन विच अ कार्बन इज अटैच फर्दर टू अ मैक्सिमम ऑफ टू कार्बन एटम्स और कॉल्ड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और द कंपाउंड्स. मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मजीद दो कार्बन्स के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. और द कंपाउंड्स हैव अ मैक्सिमम टू फ्री एंड्स, या जिसके अंदर दो फ्री एंड होंगे, दो से ज़्यादा फ्री एंड इनमें नहीं होते.
उनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन बड़ी भद्दी और बड़ी ही बोंगी लिखी हुई है, आपने ये डेफिनेशन करनी है। ये आपको एज ए शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, डिफाइन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं, सब की अलग अलग डेफिनेशन और एग्जांपल आपको एज ए शॉर्ट आ सकती है, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछा जा सकता है जी इसकी कैटेगरी कौन सी। लाइक अगर आपको वो एन ब्यूटेन पेपर में दे देता है, कहता है जी बताएं एन ब्यूटेन किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रेट चेन में आएगा, ब्रांच चेन में आएगा, एरोमेटिक में आएगा या हेट्रोसाइक्लिक में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट चेन में है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की उसने डेफिनेशन लिखी जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम सीधी लाइन में होते हैं, तो गाइज ऐसा नहीं होता, ये बात गलत होती है। सीधी लाइन में ये ना भी हों तो फिर भी स्ट्रेट चेन होंगे, हमने इनके फ्री एंड काउंट करने होते हैं, और जिनमें मैक्सिमम दो फ्री एंड होते हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। इसमें एक फ्री एंड ये है, मैंने आपको बताया था अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो फ्री एंड वो होते हैं जिनके अंदर CH3 आता है, तो एक ये CH3 आ गया, तो दो फ्री एंड इसके होते हैं। अब इसमें एक CH3 है, तो एक CH3 वाला भी बेसिकली स्ट्रेट चेन है। देखें ना डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो हैं, कम से कम वन भी हो सकते हैं, तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको इधर से ही याद कर लेना, बुक में बड़ी फजूल डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके शायद आपको नंबर ना मिले। अच्छा, उसके बाद सेकंड कैटेगरी ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। गाइस सबसे पहले ये जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की पहली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की सेकंड कैटेगरी, दैट इज ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर फ्री एंड हमेशा दो से ज़्यादा होते हैं। द कंपाउंड्स डेफिनेशन देख लें, दैट इज़ क्वाइट सिंपल, द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज फर्दर अटैच टू मोर देन टू कार्बन एटम्स और इट इज मोर देन टू फ्री, इट हैज़ मोर देन टू फ्री एंड्स, इसके अंदर दो से ज़्यादा फ्री एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोब्यूटीन, 2-methyl प्रोपेन एंड नियोपेंटेन, ये एग्जाम्पल्स अभी आपको मैं शो कर चुका हुआ हूँ, तो देख लें। अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करें तो एक मिथाइल फ्री यहाँ आ गया, एक फ्री एंड यहाँ आ गया, एक फ्री एंड यहाँ पर आ गया, तो देखा जाए तो इसके तीन फ्री एंड होते हैं, 1, 2 and 3। और गाइज अगर हम बात करते हैं 2-methyl प्रोपेन की, तो 2-methyl प्रोपेन के केस में देखें यहाँ एक फ्री एंड, यहाँ दूसरा फ्री एंड, ये हैं सिंगल बॉन्ड वाले फ्री एंड, जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वहाँ CH2 आ जाएगा फ्री एंड पे, तो इसके भी अगर हम काउंट करें तो 1, 2 and 3 फ्री एंड्स बनते हैं। इसी तरह से गाइस आप देखें अगर हम नियोपेंटेन की बात कर लें, 2,2-dimethyl प्रोपेन कैसे आया 8वें चैप्टर के पहले लेक्चर में बताऊंगा, तो देखें एक ये वाला मिथाइल ग्रुप, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो गाइज इसके भी काउंट करें तो हमारे पास जो होते हैं 4 फ्री एंड आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 और ये 4 फ्री एंड इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी तीनों स्ट्रक्चर्स आपने एग्जांपल में बनानी है, एक स्ट्रक्चर बनाने से बात नहीं बनेगी, कम से कम दो स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। तो लेकिन ये जब आप सारी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे ये आपको वैसे ही बड़े आसान लगेंगे। अच्छा सेकंड नेक्स्ट आ जाती कैटेगरी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की, एसाइक्लिक भी इनको गाइस कहते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है, देखें जिसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होता, रिंग क्लोज होती है, तो एक सेकंड अब यहाँ देखें, द कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स क्लोज रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स और दे डू नॉट हैव अ फ्री एंड आर कॉल्ड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो इनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द कंपाउंड्स मे बी, ये हो सकते हैं होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक या उसकी दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक भी है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बेसिकली एक कैटेगरी है, वेट, ये एक कैटेगरी है होमोसाइक्लिक
और ये हेट्रोसाइक्लिक ये दूसरी कैटेगरी है, इसकी ये दो कैटेगरीज बनती हैं नंबर वन, और ये कैटेगरीज बनती हैं तो उनमें पहली कैटेगरी को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पहली कैटेगरी को हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, देखें वर्ड जो होमोसाइक्लिक जो होता है इसका मतलब होता है सेम। होमोसाइक्लिक मतलब ऐसी चेन जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, कोई भी एटम डिफरेंट नहीं आएगा, और कार्बोसाइक्लिक वो होता है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन के अलावा इनमें कोई भी नहीं आएगा। तो देखें द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन ऑल द एटम्स आइडेंटिकल टू ईच अदर और ऑल द एटम्स कार्बन एटम्स इन द रिंग आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी दो टाइप्स हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेसिकली इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैं पहले आपको क्लोज चेन की बता देता हूं बात, तो एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं एग्जांपल्स शो करवाता हूं। ये देखें यहां हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहली तो बात, ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जो मैंने यहां एग्जांपल्स आपके सामने शो की हैं, ये इनमें ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल, तीसरी और ये चौथी। देखें इसमें साइक्लोप्रोपेन है, एक दो तीन कार्बन है ना इसमें, तो ये तीनों में कोई भी फ्री नहीं है, ये एक रिंग की सूरत में है, तो ये क्लोज्ड चेन है। और ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक भी है क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा रिंग में कुछ नहीं आ रहा, हाइड्रोजन बेसिकली बाहर की तरफ है। इसको देखें, इसमें देखें तो CH2, 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 तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसके अंदर भी सारी की सारी बेसिकली कार्बन ही तो हैं, सारी की सारी कार्बन इसमें हैं। यहाँ पर भी बेसिकली ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, तो रिंग पूरी होगी तो कार्बन ही है। इसको भी हम कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कहेंगे, साथ साथ में ये क्लोज चेन भी है। इसकी बात कर लें, एक फिर उसके बाद दूसरी कार्बन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर ये पांच कार्बन आ गई, पांच कार्बन वाली रिंग है, सारी की सारी रिंग्स एक जैसी हैं, तो ये क्लोज चेन भी होगा, ए साइक्लिक भी हो, क्लोज चेन भी होगा, साइक्लिक भी होगा, और ये इनफैक्ट जो है ये इसमें भी आता है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में भी। तो ये दोनों कैटेगरीज यहाँ पर इसकी क्लियर हो जाती हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखें, होमोसाइक्लिक हमने पढ़ लिया, तो होमोसाइक्लिक जो है इसकी आगे दो टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज ए साइक्लिक, एली साइक्लिक जिसको हम कहते हैं, वन ऑफ देम इज एली साइक्लिक एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली एरोमेटिक। तो एली साइक्लिक की पहले बात कर लें, एलीसाइक्लिक कंपाउंड गाइस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो होते तो साइक्लिक हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। बेंजीन रिंग में आपको यहाँ से पहले ढूंढ के दिखा दूँ कि बेंजीन रिंग जनाब कैसी होती है, तो ये देख लें, इट्स बेंजीन रिंग, नहीं ये बेंजीन रिंग नहीं है, वेट हियर इट इज़ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में देखें ना, छः कार्बन हैं रिंग की सूरत में, और छः कार्बन के अंदर डबल सिंगल बॉन्ड आ रहा है और हाइड्रोजन सारी बाहर की तरफ है, ये बेंजीन रिंग होती है। अगर किसी क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग नहीं है तो वो एलीसाइक्लिक कंपाउंड है, और अगर उसमें बेंजीन रिंग है तो वो बेंजीनॉइड कंपाउंड या एरोमेटिक होगा। हम चूंकि पहले एलीसाइक्लिक को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें एलीसाइक्लिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देख ले, जिसमें रिंग तो होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं। द साइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इनको नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये वाली बात एमसीक्यू में भी आ सकती है। अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, तो देखते हैं जी कब ये सैचुरेटेड होते हैं और कब ये अनसैचुरेटेड होते हैं। लेट्स हैव अ लुक, नीचे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, देखें अब यहाँ पर सैचुरेटेड सिंपल सी बात है, जब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे जब सारे के सारे तो वो सैचुरेटेड है। अब इसमें देख लें आप, नंबर वन आप साइक्लोप्रोपेन की बात कर लें, आप साइक्लोब्यूटेन की बात कर लें, आप साइक्लोपेंटेन की बात कर लें, आप साइक्लोहेक्सेन की बात कर लें, इसमें तीन कार्बन हैं, फिर चार कार्बन है, फिर पांच कार्बन है, फिर छह कार्बन है, तो इनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं, तो ये सैचुरेटेड जो है साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से नीचे देखें लास्ट लाइंस में जो लिखा हुआ है,
कि वाइल द कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, कॉल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, तो इनकी भी साइक्लोब्यूटेन बिटीन एंड साइक्लोहेक्सीन, तो ये देख लें यहाँ पर कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, तो इनमें एग्जाम्पल देख लें। पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लोब्यूटीन की, तो ये हेयर इट इज़ द साइक्लोब्यूटीन एंड हेयर इट इज़ द साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन आना था, ये गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन लिखा जाएगा, बेसिकली ई आना है, इस जगह पे आप साइक्लोहेक्सीन कर लीजिएगा, इट्स अ मिस्टेक। तो हेक्सीन इसलिए कि इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया हुआ, तो देखिए 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी देखें साइक्लोब्यूटीन में भी इस जगह पे डबल बॉन्ड आ गया है, बाकी चाहे सिंगल बॉन्ड है सारे, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, तो ये भी अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल आती है। इससे आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो कैटेगरी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो जिनमें बेंजीन की रिंग होती है उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये एरोमेटिक वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इसकी डेफिनेशन क्वाइट 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 सिंपल है कि द कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, देयर एंटायर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन इटसेल्फ, एंटायर स्ट्रक्चर मतलब जितना मर्जी बड़ा कंपाउंड हो उसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो बेंजीन की रिंग जो है वो तीन तरीकों से रिप्रेजेंट की जाती, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हम या तो इस तरह ओपन करके स्ट्रक्चर लिखें या हम ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखें कि 6 कोने 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो या इस तरह से। अब ये क्यों करते हैं आपको अभी इसकी समझ नहीं आनी, आपको समझ आएगी जाके चैप्टर 9 में, तो अभी यहाँ हम मगजमारी नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये कम अज़ कम इसमें से एक स्ट्रक्चर बनानी है। आगे चलते हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात चल रही थी, तो एरोमेटिक कंपाउंड में मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। तो गाइस मुझे बाहर कोई मिलने आया, मैं घर में अकेला हूँ, मैं एक सेकंड देख लूँ देन मैं आता हूँ, सिर्फ एक दो मिनट। तो गाइस इसमें देखें यहाँ पर ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और पॉलीसाइक्लिक, ये यहाँ वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, शायद मैं शोहा बन के मैंने ये स्लाइड बना दी है, हमने इसको चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में डिस्कस करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मोनो का मतलब होता है वन, मोनोसाइक्लिक जिनमें सिर्फ एक ही रिंग हो, इन सब की एग्जांपल देख लें, टोलीन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, सबके अंदर एक ही रिंग है, ऊपर जो है कोई भी ग्रुप लग सकता है, ये अगर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आप ये नहीं करेंगे, और वैसे भी चैप्टर 9 में हमने करना है। पॉलीसाइक्लिक, पॉली मीन्स मोर देन वन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग एक से ज़्यादा होती हैं, तो जो है पायरीन, पायरीन के अंदर भी 1, 2, 3 हैं, एंथ्रासीन के अंदर भी 1, 2, 3 हैं, फिनेंथ्रीन के अंदर भी 1, 2, 3 हैं। तो गाइज लेकिन ये फिर कह रहा हूँ अगर आपकी टेक्स्ट बुक पे है तो आपने करने, नहीं है तो आप इसको नहीं करेंगे। अच्छा उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसकी लास्ट कैटेगरी है, शुक्र करें कि आपका ये लेक्चर एंड होने जा रहा है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं कि द साइक्लिक कंपाउंड विच एटलीस्ट कंटेन वन एटम अदर देन कार्बन लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन देयर एंटायर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल पिरिडीन है, फिरोन, पिरोल, थर्फीन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये वाला और एक एरोमेटिक वाला, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना, और ये कोशिश तो करें ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखने की, पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, पिरोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, थायोफीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज ये सारी कैटेगरीज एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आती है। तो गाइज आप यहीं से ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, आप ये लॉन्ग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ना करें, इधर से कर लेंगे तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपके बन जाएंगे। आप जो है होपफुली आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं तो ये लेक्चर कल 3 बजे तक ऑन एयर हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और अब अगर आप क्लास लीव करना चाहते हैं तो आप क्लास लीव भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे या ग्रुप में पूछ लेना है मुझसे। और बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करें, इसका लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर किया करें और अच्छे वाला कॉमेंट भी किया करें। और क्योंकि सारी सेकंड ईयर आपने मुझसे पढ़नी है तो थैंक यू वेरी मच, तो बोल दिया करो कंजूसो, बाकी चलें जी अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।